Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will start our new topic, that is how tissues are protected in your body. We will study, and we will also study about how nervous tissue causes action. These two topics we will cover today, and before this I request you to subscribe to our channel to stay connected with us and do like this video too. So let's start. Aaj hume padhna hai how are these tissues. Ye actually टॉपिक्स तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि क्या पढ़ रहे हैं हम. पीछे जाके एक बार रिकैप कर लेते हैं. हमने ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस कर लिया था. ह्यूमन ब्रेन वाले टिश्यूज़ की ही बात हो रही है यहाँ पर. कौन से टिश्यूज़? ह्यूमन ब्रेन के टिश्यूज़ हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं. इससे वन मार्कर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसको ओवरलुक कर देते हैं बच्चे क्योंकि ये एक छोटा सा पैरा है और ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. A delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. आपको क्या बताया गया, एक डेलीकेट ऑर्गन है आपका, कोमल सा है, कमज़ोर सा है ऑर्गन, मतलब वीक नहीं, उस तरह से वीक नहीं बोलेंगे, मीन्स डेलीकेट है, कोमल है. जैसे कि आपका ब्रेन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ आप जो करते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेन जो है. नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, इसको आपको क्या करना होता है, केयरफुली जो है प्रोटेक्ट करना होता है आपको अपने ब्रेन को. फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स. इसके लिए आपकी जो बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि आपका ब्रेन जो है वो एक बोनी बॉक्स के अंदर में रहता है. इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून. ब्रेन जो है एक बलून में फिल्ड है, वो एक फ्लूइड फिल्ड है, मतलब फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस, तो फ्लूइड जो है उस पर फिल्ड है. विच प्रोवाइड्स फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे शॉक एब्जॉर्प्शन उस फ्लूइड में होता है. इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर. आपको बताया गया कि अगर आप अपने हाथ को अपने बैक पे ले जाओगे, मिडल में कहीं टच करोगे, तो आपको हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर दिखेगा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी. ये आपका वर्टेबल कॉलम है, बैकबोन भी बोलते हैं इसको. ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड को जो है प्रोटेक्ट करता है. अब मैं आपको बता देती हूँ, आपका जो ब्रेन है वो स्कल में प्रोटेक्टेड है. बोनी बॉक्स उसको हम स्कल कहते हैं. इसमें आपका ब्रेन, क्रेनियम भी बोला जाता है, इसमें प्रोटेक्टेड है. इसमें जो फ्लूइड है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये शॉक्स एंड इंजरीज से आपके ब्रेन को जो है बचाता है. उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में कि आपका स्पाइनल कॉर्ड किस में प्रोटेक्टेड है, वर्टेब्रल कॉलम, ब्लैक बोन. यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो आपको याद रखना है कि ब्रेन, बोनी बॉक्स एंड फ्लूइड. ठीक है, ब्रेन का बोनी बॉक्स क्या है, स्कल, क्रेनियम और फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन एंड वर्टेब्रल कॉलम, दोनों नाम एक ही चीज़ के हैं. ठीक है, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन. अब हमें ये स्टडी करना है. सो फार अब तक जो है वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू. हम नर्वस टिश्यू के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे, एंड हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, और ये किस तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, और उसको आपकी पूरी बॉडी में किस तरह से सेंड करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है, मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपका उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन बनाता है, एंड कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन. तो ये सब हमने पढ़ा था, कैसे बॉडी में जाता है, फिर आपके कैसे मैसेजेस जनरेट होते हैं, और फिर कैसे मसल्स को इन्फॉर्मेशन जाती है कि वो कैसे एक्शन करेंगे. ये सब हम बार 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 पढ़ रहे हैं, तो अब तक आपको पता हो गया होगा कैसे होता है. इन अदर वर्ड्स व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि जब भी एक्शन को होने का है या मूवमेंट्स को परफॉर्म होने का होता है, तो उस सिचुएशन में मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब. फाइनल जॉब कौन करता है, मसल टिश्यू, हमें पता ही है. जो भी अगर आपका हाथ ही हॉट वेसल को आपने टच कर लिया, तो उस सिचुएशन आप मसल की हेल्प से ही तो अपने हाथों को रिमूव करते हो, तो मसल टिश्यू ही आपका फाइनल जॉब करता है. हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, आपको बोला गया कि एनिमल का मसल्स जो है, हमारा मसल जो है वो कैसे मूव करता है. वेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल, आपको इम्पल्स जब रीच करती है मसल को, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो उस सिचुएशन में मसल के फाइबर को मूव होना ही होता है, मूव होना चाहिए. आपको बताइए कि मस्ट है, ये चीज़ होनी चाहिए, आपका मसल का जो फाइबर है वो मूव होना चाहिए. हाउ डज अ मसल सेल मूव, अब फिर वही पूछा है आपसे कि मसल सेल कैसे मूव करता है. द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेल्यूलर लेवल, अब सबसे सिंपल मूवमेंट का क्या नोशन बताया गया कि अगर हम सेल्यूलर लेवल पर आ जाए, सेल के लेवल पर आ जाए, तो उस सिचुएशन में इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, शेप चेंज होती है. ये आप अभी आगे भी पढ़ोगे, प्लांट वाला पोर्शन जब आप पढ़ोगे तब आप देखना कि प्लांट का भी ऐसे ही होता है, उनमें भी सेल चेंज होता है, सेल का शेप चेंज होता है,
स्वेलिंग से, श्रिंकिंग से, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मसल का सेल्स जो है कैसे मूव करता है, शेप को चेंज करके मूव करता है सो दैट दे शॉर्टन, और इस सिचुएशन में वो छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है जो मसल सेल होता है आपका. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मसल सेल्स चेंज देयर शेप. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अब यहाँ पर आपने जब ये चीज़ समझ ली कि मसल सेल्स जो है वो शेप को चेंज करता है, तो आपका मसल सेल आखिर शेप को चेंज कर कैसे लेता है, ये आपको बताया गया है. द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स. और आपको बोला गया कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, सेलुलर कॉम्पोनेंट्स में, केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कॉम्पोनेंट्स, मतलब जो आपने सेल्स को पढ़ा है वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा. मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन्स, मसल की जो सेल्स होते हैं इनमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं. यहाँ पर प्रोटीन वर्क कर रहा है, जब आप एनिमल्स की बात करो, ह्यूमन बींग्स की बात करो, प्लांट्स में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर वाटर का होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है. वहाँ पर मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, हमारी मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. आपके जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जनरेट होती है और मसल सेल को मूव करना होता है, तो उस सिचुएशन में एक्शन करने के लिए ये स्पेशल प्रोटीन वर्क करते हैं, जिससे आपका शेप और आपका अरेंजमेंट जो है मसल सेल का वो चेंज हो जाता है, किस अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करना है. When this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form. इस सिचुएशन में मसल की सेल्स शॉर्ट हो जाती हैं ये प्रोटीन की हेल्प से. Remember when we talked about muscle tissue in class 9th, there were different kind of muscles. आपने पढ़ा था 3 kind of muscles आपने क्लास 9th में स्टडी किया था, striated, unstriated एंड cardiac. ये 3 muscles आपने स्टडी किया था और वहाँ पे आपको आपने उनके दूसरे नेम्स को भी जो है स्टडी किया था, ठीक है, सच एज वॉलेंट्री मसल्स. हाँ, वहाँ पर आपने वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स करके भी स्टडी किया था. बेस्ड ऑन वॉट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, वट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दीज वुड बी. अब आपने जहाँ तक पढ़ा है उस अकॉर्डिंगली आपको ये सोचना है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है. अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है और इनके इनसे प्रोटीन्स का क्या रिलेशन है, ये सब तो आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में. तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और इन सब का जो डिफरेंस है ये तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, ठीक है. कोऑर्डिनेशन प्लांट्स वाली भी जो वीडियो है वो भी बन चुकी है, नेक्स्ट वन, ठीक है, वो भी कंप्लीट हो चुकी है, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स वाली वीडियो, तो उसको भी देख लेना, वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है, वो भी बन चुकी है. अब यहाँ पे आपको टिश्यूज़ और प्रोटेक्टेड वाला बात बता दें मैंने आपको, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं क्योंकि बच्चा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे. नर्वस टिश्यू में एक्चुअली क्या होता है, आपका मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू को अगर मूव करना है तो उसके सेलुलर लेवल पर आपको जाना है. सेलुलर लेवल पर जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि सेलुलर लेवल पर एक्चुअली शेप को, सेल को चेंज करना पड़ता है. जब शेप चेंज होती है तो वो शॉर्ट होती है, ठीक है, जो आपकी सेल्स हैं वो शॉर्ट होती है. तो यहाँ पर जब एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो शेप और अरेंजमेंट को चेंज करते हैं इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या समझना है कि आपके सेल्स में प्रोटीन्स हैं जो मसल सेल के शेप को चेंज कर देते हैं, वो शॉर्टन हो जाते हैं और फिर वो मसल सेल्स जो हैं, मसल टिश्यूज जो हैं वो मूव कर पाते हैं. तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, इन दोनों टॉपिक से, इस टॉपिक से आने के चांसेस बहुत है. हाउ आर टिश्यूज प्रोटेक्टेड, इसको आप अच्छे से पढ़ना. नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स की हेल्प से होता है, और थोड़ा सा एक दो बार आप इसको रीड करो आपको आ जाएगा, ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक भी अपलोड हो चुका है, हो जाएगा मतलब अब एक दो दिन में, तो आपको ये चीज़ देख लेनी है. कोऑर्डिनेशन प्लांट्स उसकी वीडियो बन चुकी है, वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. बहुत कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है. 150 प्लस वीडियोज़ जो हैं अभी तक हम बना चुके हैं, ठीक है. लेकिन आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलते रहना चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ जो हार्डवर्क हो रहा है वो आप ही लोगों के लिए हो रहा है. और साथ ही साथ में जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, कोई सजेशन है मॉडिफिकेशन का तो कमेंट भी ज़रूर करो, ठीक है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.